हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अध्याय 13 की प्रश्नवली 2 को, कौन से सब्जेक्ट का, गणित का। ठीक है, आपकी कक्षा 10वीं गणित की। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में आप लोग को बता चुका था कि सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 क्वेश्चन पढ़ना है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जरूर जा करके देखें। ठीक है, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक क्या था, पहला टॉपिक समरूप त्रिभुज की रचना करना है ना, समरूप त्रिभुज की रचना, इसको देखने वाले हैं भाई, है ना। अब आप लोग बोलेंगे कि प्रश्न वाली एक तो आप लोग आप तो पढ़ा ही नहीं, बताया ही नहीं, तो उसको पढ़ना ही नहीं है आप लोग को। ठीक है, आप लोग सीधे डायरेक्ट जाइए प्रश्न वाली 2 पे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या है, हम लोग का टॉपिक कौन सा कवर हो रहा है, प्रश्न वाली 2 से समरूप त्रिभुज की रचना करना है हम लोग को। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअल में कैसे करना है इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखते हैं, प्रश्न वाली 2 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। ठीक है, 3/5 गुना होना चाहिए, मतलब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे उसका 3/5 गुना होना चाहिए। ठीक है, 3/5 गुना मतलब कैसे होगा, 3/5 इसको भाग करो तब पता चलेगा कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, है ना। मान के चलो इसको भाग करेंगे तब कितना होगा, छोटा है 0/5 पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो ऐसे में आएगा डायरेक्ट, छोटा है इसलिए 0/3 पॉइंट डालूंगा तो या 30 बनेगा, 5 6 30, ऐसा क्लियर है। मतलब जी जो भी मैं त्रिभुज बनाऊंगा उसका 0.6 बनेगा, जस्ट आधा छोटा सा उससे, है ना, क्लियर है। तो चलो देखते हैं इसको एक्चुअल में करते कैसे है ना। सबसे पहले क्या करो, इसके लिए इसमें त्रिभुज को कोई नाप नहीं दिया है कि आपको इतना का त्रिभुज बनाना है करके, है ना, प्रश्न पहला में नहीं दिया है भाई। तो एक त्रिभुज बना लेना है सबसे पहले, है ना। मैं इस तरीका से एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, क्लियर है। तो रचना का पद भी लिखना पड़ेगा तभी हम लोग को पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ रचना के पद। ठीक है, इसमें पहला क्या हम लोग क्या किए, पहला काम आप लोग को तो पता है आप लोग को क्या लिखना है। हम लोग सिर पर एक त्रिभुज बनाए हैं, उसको नाम क्या दिया, ABC। तो क्या लिखेंगे यहां पर, सर्वप्रथम ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे क्या, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ABC बनाए हम लोग त्रिभुज ABC, जिसके क्या करना है हम लोग को समरूप त्रिभुज का बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है ना। तो इसके हम लोग समरूप त्रिभुज बनाएंगे तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, पहला स्टेप तो आप लोग को समझ आ गया होगा रचना। अगला क्या करेंगे, बिंदु बी से, ठीक है, क्या बिंदु बी से आप लोग को न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण मतलब यहां पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए, ए के उल्टे साइड ना, इस कोण के उल्टे साइड बनाना है, याद रखना। न्यून कोण मतलब लगभग 90 अंश से कम का होना चाहिए, तो मैं बना देता हूँ ऐसे, आप लोग चांदा से नाप लीजिएगा 45 अंश का। ठीक है, एक रेखा खींचना है, इसको मैं मान के चलो नाम दे देता हूँ एक्स। तो क्या लिखूंगा इसको, दूसरा पॉइंट लिखूंगा बिंदु ठीक है, क्या लिखा हूं, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बी एक्स खींचा, खींचे है ना भाई बी एक्स। ठीक है, आप लोग को भी इसी तरह हर एक प्रश्न में करना है, जो आप लोग को पेज नंबर बताया हूं ना पिछले वाले प्रश्न वाली में, अभी भी बता देता हूं, पेज नंबर 322 का जितने भी क्वेश्चन है 322 में पूरे को सेम टू सेम स्टेप से बनाना है। ठीक है, हुआ ये, यहां से स्टेप चेंज होगा, तीसरा वाला स्टेप चेंज होता है बस हर एक प्रश्न में। क्या करना है, अब आप लोग को एक डिवाइडर लेना है, प्रकार लेना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, हाँ तो ये है भाई प्रकार, है ना। इसको क्या करो, किसी भी एक चाप का, अब कोई सा भी एक चाप ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी एक त्रिज्या मतलब ले सकते, सॉरी चाप बोल रहा था मैं, त्रिज्या ले लेना आप लोग ऐसे, कोई सा भी एक नाप का ले लेना, और देखो इसमें हम लोग को कितने इसका कैसे करना है, 3/5 गुना करना है, ऐसा देखिए थे ना हम लोग, 3/5 गुना होना चाहिए। तो यहाँ जो बड़ा नंबर रहेगा, नीचे पे जो नंबर रहेगा उतने भागों में बांट देना, नीचे में कितना है 5,
तो पांच भागों में आप लोग ऐसे लोगे इसको, है ना, ऐसे एक बराबर कर कर लियोगे, तो ऐसे करके फिर यहाँ से रख करके ऐसे चाप काट लेंगे कुछ, तो इस तरीके से बराबर। अभी कितना कटा है हम लोग पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, काट दिए चाप, उसको लिख देना है बस भाई, और कुछ नहीं। इसको मैं मान के चलो नाम देता हूँ B1 B2 B3 B4 और ये B5, ठीक है, तो इसी को लिख देना है बस कि, ठीक है, बी एक्स रेखा पर ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या लिखा हूं मैं, बी एक्स रेखा पर, हम लोग वही काम किए ना, बी एक्स रेखा पर पांच बराबर चाप काटा, क्यों पांच का क्यों काटे, यहां पर पांच है इसलिए। अगर दूसरे प्रश्न में आप लोग देख सकते, किसी में चार 3/4 हो मान के चलो, तो चार बराबर भागों में काटेंगे, किसी में मान के चलो 2/7 है, तो सात बराबर भागों में काटेंगे, याद रखना, ठीक है। दोनों नंबर का रोल होता है, एक का नीचे वाले का रोल आप लोग को पता चल गया कि जितना नीचे में नंबर रहेगा उतने क्या करेंगे हम, उतने भागों में काटेंगे चाप, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिखा मैं, पांच है हम लोग के में, ये वाला है अभी, है ना, 3/5 था, इसलिए पांच बराबर भाग में काट दिया, और उसको हम लोग क्रमशः क्या नाम दिया, B1 B2 B3 B4 B5 नाम दिया। आप लोग कुछ भी नाम देख सकते हैं, C1 C2 C3 जो नाम देना आप लोग को दे सकते हैं, P1 P2 जो नाम चाहे आप लोग को, ठीक है, हुआ। फिर देखो क्या करना है आप लोग को, एक स्केल लेना है ना, स्केल ये है मेरे पास, स्केल स्केल लेना है, और इस तरीके से बी को और इस सी को मिला देना स्केल की सहायता से, ठीक है, उसी को लिख दो चौथा पॉइंट, B5 को स्केल की सहायता से सी से मिलाया, ठीक है, क्या लिखा हूं मैं, B5 को स्केल की सहायता से सी से मिला दिया, बस जिससे मिलाओगे उससे लिख देना है आप लोग को, क्लियर है। अब इतना हो गया, अब किसको मिलाना पड़ेगा, एक तो 5 को मिला दिया, अब दूसरा यहां पर ऊपर में 3 है, देखो इसका रोल अपर यहां पर आ रहा है, वैसे ही नहीं दिया था, उसका भी काम है भाई यहां पर, है ना, तो वो काम क्या है कि ये जो ये है B3 अपना, है ना, तो B3 के सम को से भी एक रेखा खींचना पड़ेगा, है ना, तो अब क्या करना है आप लोग को, इसके समांतर, ठीक है, इसके समांतर हम लोग को इसी के समांतर, सेम टू सेम ऐसे, ठीक है, इसी के समांतर एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, टिक टिक, तो इसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, इसको मैं नाम दे देता हूं मान के चलो P नाम दे देता हूं, क्लियर है, P नाम दे दिया उसको, समांतर रेखा हुआ, तो इसको भी खींच लिख लेंगे हम लोग। फिर पांचवा लाइन में क्या लिखेंगे, यहां हम लोग क्या लिखेंगे देखो, है ना, ये दोनों को समांतर खींचे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से B5C समांतर, ठीक है, इस मतलब हम लोग ये खींचे हैं ना, B3P किसके समांतर खींचे हैं, B5C के खींचा, इस तरीके से लिख लेंगे, क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, एक नया त्रिभुज बनाना है ना, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को एक लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, स्केल ले लेना है, ये यहां से आप लोग चाहो तो कोण नाप लेना है ना, कोण नापेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा हम लोग को, चांदा ले लेना, जितने अंश का कोण इस सी से बन रहा है ना ऐसे, उतने ही अंश का कोण पी से भी बनाना है, ठीक है, उतने ही अंश का, ध्यान से सुनना वरना गलत हो जाएगा, जितने अंश का कोण पी सी पे बन रहा है उतने अंश का कोण पी पर भी बनना चाहिए, चांदा से लेना और ऐसे स्केल की सहायता से उसको ऐसे खींच देना है आप लोग को, ठीक है। मान के चलो मेरा ये है क्यू, ठीक है, जो कटान बिंदु आएगा उसको क्या नाम दूंगा, ठीक, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे छठवां में, AC हम लोग क्या किए हैं यहां पर, B से Q मैं लाइन खींचा है ना, सॉरी P से, तो PQ खींचा किसके, ये इस वाले के, किसके, AC, ठीक है, इस तरीके से आप लोग बहुत सरल सरल है, देखो जो काम कर रहे हैं वही लिखे रहे हैं भाई, हम लोग AC के समांतर इसको लेना, और समांतर कैसे लेना आप लोग को बता चुका हूँ, या तो डायरेक्ट स्केल से ले सकते हैं, या तो कोण बेस्ट क्या रहेगा, आप लोग C पे जितने से कोण बन रहा है उतने उसका P पर भी कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना, फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर, ठीक है, मान के चलो मेरा ये इसको एक और नाम दे देता हूँ R, इसी बिंदु को नया नाम दे दिया, ठीक है, तब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये एक त्रिभुज मिलेगा, ठीक
ठीक है, जो कि इस बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी के समरूप त्रिभुज होगा, तो इसी को लिख देंगे। अतः कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर एक अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर ए क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है। आप लोग अच्छे राइटिंग में बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोग को चेकर को पता चले कि यही आप ये क्या है स्टूडेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। और साथ ही साथ एक काम और करिए, जो सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए इस पेज का, परीक्षा पोस्ट से क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है या जिसमें डाउट है ना, तो उसको आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसी क्वेश्चन का वीडियो उसी क्वेश्चन को आप लोग को समझाऊँ, उसी क्वेश्चन को बता पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।